आचमन मंत्र के द्वारा सभी बाएं हाथ उंगली को आगे कर लीजिए और दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी और कनिष्ठ मिलाकर के और बीच के दो मध्य उंगलियों से स्पर्श करके पहले मुख को छुएंगे दाहिने और बाएं। इसी प्रकार जिन अंगों को कहेंगे उसको धीरे धीरे छूते जाना है। ओम वांग्मय आयस्तु, मुंह के दाहिनी तरफ और मुंह के दाएं बाई तरफ। हे प्रभु, हे ऊपर वाले, हम सबके मुंह में, हमारे तालू में, कंठ में, जीवा में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो और जो बीमारी है वो सब ठीक हो जाए। ओम नसर में प्राण वस्तु, नाक के दाहिनी तरफ और नाक के बाई तरफ। जिसको सर्दी जुकाम है, जो नेता चुहाता है, उसका सर्दी ठीक हो जाए और जिसको सांस लेने में तकलीफ है वो भी ठीक ठाक हो जाए। ओम अक्षरण में चक्षुरस्तु, आँख के दाहिने तरफ और आँख के बाई तरफ। हमारे आँखों में कभी चश्मा न चढ़े, आँखों में कभी मोतियाबिंद ना हो और आँखों से कभी अंधा ना हो सके और आँख से हम लोग पूरे तरीका से हम देखते रहे। ओम कर्ण ओर में श्रोतमस्तु, कान के दाहिने तरफ और कान के बाई तरफ। हे परमात्मा, हमारे कान के पर्दे में कभी छेद ना हो और कान में मवाद ना हो, कान बहे नहीं और कान से सुनने की शक्ति बनी रहे। ओम बाएं ओर में बलमस्तु, कंधा के दाहिनी तरफ और कंधा के बाएं तरफ। हे परमात्मा, इन हाथों से मुर्गा को, मछली को कभी नहीं मारे काटे, नहीं तो जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए इन हाथों से दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का हमें सहयोग करना है, दूसरों की सहायता करनी है, ना कि किसी की हत्या करनी है। ओम उर्वर में ओजमस्तु, जंघा के दाहिनी तरफ और जंघा के बाईं तरफ। हे परमात्मा, हमारे कमर में, जांग में, हमारे घुटने में, एड़ी में कभी दर्द ना हो, कभी लकवा ना मारे, कभी कैंसर ना हो और हमेशा स्वस्थ रहे। ओम अरिष्टानी महंगानी तंसुता में सासंतु, शरीर के चारों तरफ छिड़क लीजिए। जिन अंगों का नाम लिए वो भी ठीक ठाक रहे, जिसका नाम नहीं लिए वो भी ठीक ठाक रहे। बोलिए यज देवता की, हम देवता की। ओम।